Hi friends, we are going to learn today chapter in science in 6th class. So name of chapter is Food, Where Does It Comes From? This is very interesting chapter. Please take your notebook and go through the same. See the photographs. What is this? This is a dish. What is called? This is called the balanced diet. Now we have to little bit go fast because this is a theoretical chapter. So we have to know first introduction, right? Have you ever wondered why do we eat food? क्या हमने कभी सोचा है कि हम खाना क्यों खाते हैं? ठीक है? This is very important question. Why does our body require food? And of course, where does it come from? हमारे शरीर को खाना क्यों चाहिए और खाना कहाँ से आता है? फूड इज ए सब्सटांस. अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज फूड. ठीक है, फूड इज ए सब्सटांस ईटन बाय अस टू डू वर्क. ठीक है, फूड इज ए सब्सटांस ईटन बाय अस टू डू वर्क, ग्रो, मेंटेन आवर बॉडी एंड रिमेन हेल्दी. हमको क्या करना होगा? हमको हेल्दी रहना पड़ेगा. और हेल्दी रहने के लिए वी हैव टू ईट फूड. फूड इज वेरी प्रीसियस, वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे. हमको क्या करना चाहिए? खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट वेस्ट फूड. आइदर इट इज़ होम और आइदर इट इज़ होटल और आइदर इट इज़ एनीवेयर एल्स. ठीक है, तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाट वी हैव टू लर्न हियर कि फूड इज ए सब्सटांस ईटन बाय अस टू डू वर्क, ग्रो, मेंटेन आवर बॉडी एंड रिमेन हेल्दी. हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमको खाना खाना चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए जिससे कि वी हैव टू बी keep and fit. Okay, all living things, plant, animal, including human beings, need energy to live and grow. All living things जो भी हैं, जैसे plant है, animals है, including human beings है, need energy to live and grow. उनको आगे बढ़ने के लिए और जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है. They get this energy from food. उनको ये खाना कहाँ से मिलता है? खाने से मिलता है. Does food act as fuel for all living organism and help them to do various day-to-day activities effectively. अभी जैसे क्या होता है, इट इज़ वर्क एज ए ईंधन की तरह काम करता है. अगर आप खाना खाओगे तो हेल्दी रहोगे, देन यू हैव टू वर्क हार्ड. ठीक है, वेराइटी इन द फूड. अब हमारे खाने में क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या वेराइटी होनी चाहिए? ए पर्टिकुलर वेराइटी और प्रिपरेशन ऑफ फूड सर्व्ड एज पार्ट ऑफ ए मील इज कॉल्ड डिश. अब बोलते हो ना होटल में जाके कि डिश खाना है, तो क्या डिश खाना है? ए पर्टिकुलर वेराइटी और प्रिपरेशन ऑफ फूड सर्व्ड एज पार्ट ऑफ ए मील इज कॉल्ड डिश. एंड एनी ऑफ द फूड आर फूड और सब्सटांसेज विच आर कंबाइंड टू मेक ए पर्टिकुलर डिश आर कॉल्ड इन्ग्रेडियंट्स. जितने भी उसमें सब होते हैं वो कंबाइंड होके जब एक पर्टिकुलर डिश बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम इन्ग्रेडियंट्स बोलते हैं. ठीक है, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट. फूड आइटम्स और देयर इंग्रेडिएंट क्या होता है? द वेरियस फूड आइटम्स फॉर विच वी ईट डेली आर यूजुअली मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल और मोर देन वन मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स. दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स. इन ऑर्डर टू प्रिपेयर बॉइल्ड राइस we take raw rice and boil it in water. Some food items are made by using many ingredients to prepare vegetable curry. We need different type of vegetables, salt, spices, oil and water. अभी क्या होता है, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि सिंपल, जैसे राइस बनाना होता है तो क्या होता है, वी आर टेकिंग राइस एंड बॉइल्ड वाटर एंड आफ्टर दैट राइस टू बी प्रिपेयर्ड. बट हमको क्या होता है, जब हमको कढ़ी बनाना हो या कोई टेस्टी डिशेज बनाना हो तो वी रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्ग्रेडियंट. जैसे वेजिटेबल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए एंड वाटर चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट. अब आगे आते हैं एक्टिविटी वन. सी एक्टिविटी कैसा है कि इफ़ यू वांट टू डू यू कैन और इफ़ यू डोंट वांट टू डू यू कैन यू कैनॉट. ठीक है, तो इसमें कैसा है कि आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल about the item they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in a different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1 for as many friends as possible. So you can prepare this chart. Name of the student, friend,
फूड आइटम इटन इन अ डे, आप बना सकते हो इफ़ यू वॉन्ट। देखो एक्टिविटी टू है, इसमें क्या होता है फूड आइटम, फूड आइटम में रोटी है, चपाती है, दाल है, और इंग्रेडिएंट का मतलब होता है वो किस चीज़ से बनता है। जैसे रोटी है तो क्या होता है, आटा होता है, वाटर होता है। दाल है तो क्या है, वाटर, सॉल्ट, पल्सेस, ऑयल, घी, स्पेस, ठीक है। अब आ जाओ सोर्स ऑफ फूड, वी गेट फूड आइटम मेनली फ्रॉम टू सोर्स। कहाँ कहाँ से हमको खाना मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल। फ्रॉम प्लांट्स व्हाट वी आर गेटिंग, फ्रूट्स, और एनिमल से क्या मिलता है, एग्स एंड मीट। फूड फ्रॉम प्लांट्स, अब हमको देखना है कि प्लांट्स हमको क्या क्या खाना मिलता है। तो सेरल्स आर द फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस बाई सेरल्स क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ली, वीट, बार्ली, वीट, बार्ली, मेज, राइस, etc. ये कहाँ से मिलता है हमको, एग्रीकल्चर से, प्लांट से, ठीक है। देखो ये फोटोग्राफ्स है यहाँ पे, वीट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ मेजोरिटी ऑफ नॉर्थ इंडियन। आफ्टर राइस इट इज़ आवर सेकेंड मेजर फूड। इट इज़ ऑल्सो ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। गेहूँ से क्या मिलता है हमको, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द वीट। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर द मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग वीट। राइस इज द स्टेपल फूड फॉर ए मेजोरिटी ऑफ इंडियंस, यानी कि ज़्यादातर इंडियंस लोग राइस खाते हैं। राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। राइस से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी के अंदर राइस से पैदा होता है। राइस एंड वीट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट। अगर किसी को कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कम है और इफ़ ही हैज़ टू इम्प्रूव, ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव कार्बोहाइड्रेट इन हिज बॉडी, तो ही हैज़ टू गो फॉर राइस विच गिव्स अस एनर्जी। राइस इज प्रोड्यूस इन आवर कंट्री मेनली इन वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। देखो ये सब स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे कि राइस ज़्यादा मिलता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड द अंडमान आइसलैंड। दीज आर द प्लेस वेयर यू गेट राइस, ठीक है। मेज और कॉर्न इज वाइडली ग्रोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। द यूनाइटेड स्टेट प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स हार्वेस्ट ऑफ मेज। पल्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पल्सेज आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ए वेजिटेबल डाइट। मोस्ट पीपुल यूज पल्सेज एज दाल विथ वीट, चपातीज और बॉइल्ड राइस। प्रिपरेशन लाइक वड़ाज, पकौड़ीज आर ऑल्सो मेड फ्रॉम पल्सेज, ठीक है। हम लोग कैसे खाते हैं, दाल वड़ा खाते हैं। दाल वड़ा क्या होता है, दिस इज़ बींग मेड बाई पल्सेज। चपाती है, बॉइल्ड राइस है, रोटी है, दाल है, तो वॉट वी आर गेटिंग प्रोटीन फ्रॉम पल्सेज, ठीक है। और वीट एंड राइस, इन सबसे क्या मिलता है हमको, वी आर गेटिंग कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम दिस, ठीक है। अब आ जाओ ऑयल सीड्स, मैनी काइंड ऑफ सीड्स एंड एडिबल ऑयल। हमको प्लांट से क्या क्या मिलता है, एडिबल ऑयल मिलता है। ऑयल प्रोवाइड्स वेलिएबल कुकिंग मीडियम फॉर आवर वेरियस फूड आर्टिकल्स। एज मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर वेजिटेरियंस, एडिबल ऑयल, बटर एंड घी आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फैट। बॉडी में हमारा फैट कहाँ से बनता है, बटर एंड घी खाने से फैट यूज टू बी डेवलप। तो हमारे लिए वॉट आर द फैट फूड कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिंस। तो अभी हम कहाँ पे हैं, वी आर लर्निंग हाउ टू गेट फैट इन बॉडी। बहुत सारे लोग पतले दुबले होते हैं, तो वी कैन सजेस्ट देम टू गो फॉर बटर एंड घी आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फैट। बट बटर एंड घी बींग वेरी एक्सपेंसिव, मैनी पीपल यूज वेजिटेबल ऑयल फॉर कुकिंग। बटर और घी जो है काफ़ी महंगा होता है, तो द पीपल प्योर पीपल कैनॉट हैव दिस, ठीक है। और अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है तो यू डोंट गो फॉर बटर एंड घी, अदरवाइज आपका हेल्थ और ख़राब हो सकता है। फ्रूट, इंडिया ग्रोज ऑल काइंड ऑफ फ्रूट। फ्रूट आर ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। बनाना गिव्स अस लॉट ऑफ एनर्जी एंड सम मिनरल्स। गुआवा एंड ऑल साइट्रस फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन B and C। अगर किसी को भी आँख का प्रॉब्लम है, उसकी आँख की रोशनी कम है, तो ही हैज़ टू गो फॉर साइट्रस फ्रूट्स लाइक मौसम्मी आप खा सकते हो, ऑरेंज खा सकते हो, ठीक है। तो बाय दिस यू कैन गेट मोर विटामिन सी।
और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनको खाने से आपको बहुत सारा लॉट ऑफ एनर्जी मिलता है, लाइक बनाना, ठीक है, लाइक बनाना। बनाना खाने से क्या होगा, यू विल गेट लॉट ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। गुआवा है, ठीक है। तो दीज फूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब वेजिटेबल्स, अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हम यही कर रहे हैं कि जो ये फूड्स हैं, जो हमको प्लांट से फूड कौन कौन से मिलते हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ वी कम ऑन वेजिटेबल्स। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स, सच एज रूट, स्टीम, लीफ, फ्लावर, etc. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैरोट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट आर इटन, ठीक है। तो वेजिटेबल में कौन कौन सा हमको खाना चाहिए है, रूट, स्टीम, लीफ, फ्लावर, etc. तो रूट ऑफ सम प्लांट्स, रूट किसका किसका प्लांट का, कैरोट, गाजर, ठीक है, रेडिश, मूली, टर्निप, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इज यूजुअली यूज ऑन, जब हम व्हेन वी यूज टू गो फॉर ब्रेकफास्ट, वी यूज टू गो फॉर सम फेस्टिवल्स एंड ऑल, तो वी गो फॉर स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट आर इटन, ठीक है। देखो यहाँ पे फोटोग्राफ्स देखो, गाजर, दिस इज़ वेरी हेल्दी प्रोडक्ट, ठीक है। रेडिश, मूली, टर्निप, देखो सलजम, ठीक है, स्वीट पोटैटो। आई थिंक बाई फोटोग्राफ्स यू ऑल यू विल बी ऑर्गेनाइज यू ऑल विल बी रियलाइज वॉट आर द वेजिटेबल टू ईट। स्टीम, हम स्टीम्स के बारे में जानते हैं। प्लांट्स आर इटेन सच एज स्टीम ऑफ द शुगर केन प्लांट इज इटेन एंड इज ऑल्सो यूज टू मेक शुगर। स्टीम ऑफ द बनाना प्लांट इज कूक्ड एंड इटेन इन साउदर्न इंडिया। सर्टेन प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टीम्स दैट वी ईट, पोटैटो, ओनियन, गार्लिक एंड जिंजर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दो। शुगर केन, गन्ना, स्टीम ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर इटेन। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका स्टीम खाया जाता है। अब कौन से प्लांट है ऐसे, शुगर केन। शुगर केन देखो, उसका हम लोग स्टीम खाते हैं। प्लांट इज इटेन एंड इज यूज ऑल्सो यूज फॉर शुगर। शुगर बनता है शुगर केन से। फिर बनाने का स्टीम होता है जो साउथ में उसका वेजिटेबल्स बना के खाते हैं। सर्टेन प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टीम। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके स्टीम जो है वो अंडरग्राउंड होते हैं, यानी कि जैसे पोटैटो है, ठीक है, तो पोटैटो इज ए स्टीम। ओनियन है, गार्लिक है एंड जिंजर, ठीक है। अब देखो, पोटैटो इज ए टाइप ऑफ स्टीम कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूबर बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि विच काइंड ऑफ स्टीम्स आर बीइंग कॉल्ड ट्यूबर, तो आप क्या लिखोगे, पोटैटो इज ए टाइप ऑफ स्टीम कॉल्ड ट्यूबर। ओनियन एंड गार्लिक आर ए टाइप ऑफ स्टीम कॉल्ड, बल्ब जिंजर इज ए टाइप ऑफ स्टीम कॉल्ड रिजोमी। अब देखो यहाँ पे जिंजर, सी द फोटोग्राफ। जिनके पास बुक्स नहीं है आप बुक्स ले लेना, ठीक है, और जिनके पास बुक्स है वो बुक्स में आप ये फोटोग्राफ्स देखो। आई विल शेयर द PDF फॉर दिस ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द सेम। जिंजर, पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, ठीक है, ध्यान से देखो। जिंजर, पोटैटो सबको पता ही है, ओनियंस एंड गार्लिक। अब हम आते हैं लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक, है ना, एस्पिनिज, कैबेज, कोरिएंडर एंड मिंट आर इटेन। देखो यहाँ पे देखो, ये सब प्लांट है, राइट। फ्लावर ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर ऑल्सो इटेन। ये सब फ्लावर है, जैसे हम बोलते हैं ना, देखो यहाँ पे कर्ली फ्लावर है, ब्रोकली, ब्रोकली, दिस इज सेम टू द लाइक फ्लावर बट द कलर यूज टू बी ग्रीन, ठीक है। ये देखो बनाना, बनाना, दिस इज अ फ्लावर ऑफ बनाना, माइट बी यू हैव सीन, और इफ़ यू डोंट यू हैव इफ डोंट हैव यू हैव सीन, तो आप ट्राई करना। केला जब होता है ना, उसके पहले उसका एक फूल आता है, दिस इज लाइक बनाना, ठीक है। ये है पम्पकिन, दिस इज ऑल्सो, आगे आ जाओ। देर इज एक्टिविटी, एक्टिविटी में आप एक टेबल बना सकते हो। इसमें कैसा है कि इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज। जैसे अभी इडली है, तो इडली को बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए, और इसका सोर्स क्या है, प्लांट है। चिकन करी है, चिकन करी है तो क्या चाहिए, चिकन चाहिए, स्पाइस चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, वाटर चाहिए, पर इसका सोर्स क्या है, एनिमल है। खीर है तो मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए,
और इसका सोर्स क्या है, एनिमल और प्लांट। जैसे क्या है, मिल्क है, तो मिल्क वी आर गेटिंग फ्रॉम काउ, ठीक है, मिल्क वी आर गेटिंग फ्रॉम काउ, तो काउ क्या हो गया, एनिमल हो गया, और राइस क्या हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है। सुगर इज ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट, एक्टिविटी फोर है, ये एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, जैसे ब्रिंजल करी है, तो ब्रिंजल करी बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ चाहिए उसके अंदर, ब्रिंजल चाहिए, चिली एज ए स्पाइस चाहिए, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट चाहिए, मस्टर्ड चाहिए, सोयाबीन चाहिए और एनी अदर प्लांट्स। तो इसके जो प्लांट हैं, प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, फ्रूट है सीड है, ठीक है। तो आप ये चार्ट बना सकते हो आइटम के हिसाब से। नाउ कम ऑन टी एंड कॉफ़ी, दीज आर द मोस्ट पॉपुलर बेवरेजेज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। टी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्राइड एंड प्रोसीड लीव्स ऑफ द टी प्लांट। कॉफ़ी इज प्रिपेयर्ड बाई ग्राइंडिंग राइप एंड डार्क वेरीज ग्रोन ऑन द कॉफ़ी प्लांट, बोथ ऑफ दीज नीड्स हॉट क्लाइमेट, ठीक है। जब क्लाइमेट अच्छा और हॉट होता है तो ही टी और कॉफ़ी का एग्रीकल्चर होता है। स्प्राउट्स, देखो स्प्राउट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप घर में बना सकते हो और खा सकते हो, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वी ऑल टू मेंटेन आवर हेल्थ बाय द हेल्प ऑफ स्प्राउट्स, एंड दिस इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर इट व्हेन द सीड्स बिगिन टू ग्रो। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन, राइट, एंड वी कैन से जर्मिनेट, जब सीड से वो ग्रो करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। बाई डेवलपिंग टीनी रूट्स दे आर कॉल्ड स्प्राउट्स, ठीक है। आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक मूंग दाल, चना और एनीथिंग यू कैन टेक, वीट ऑल्सो, मेज ऑल्सो, और उसको क्या करना है, उसको धोना है, उसको कॉटन के कपड़े में रख के कॉटन के कपड़े को बांध देना है। एंड आफ्टर वन डे यू कैन ओपन इट, थोड़ा सा हवा लगना चाहिए। आफ्टर सेकेंड डेज यू विल सी दैट देर आर सम वाइट कलर्स थिंग्स हैज़ कम आउट, तो वो आपका स्प्राउट बन जाएगा, ठीक है। द स्प्राउट कंटेन मोर ऑफ विटामिन ए एंड बी एंड सी विच मेक देम मोर, बहुत टेस्टी, मतलब बहुत पोषक फूड बनता है। द मेथड ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। आपसे अगर पूछा जाएगा कि वॉट इज स्प्राउटिंग, तो यू कैन से कि द मेथड ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड स्प्राउटिंग, मीन्स द प्रोसेस वेयर बाई सीड्स बिगिन टू ग्रो स्प्राउटिंग इज कॉल्ड अंकुरनम, यानी अकुरना बोलते हैं उसको, है ना, कॉल्ड अंकुरनम इन हिंदी। द सीड्स ऑफ मूंग, मोथ एंड चना आर यूजली कन्वर्टेड इन टू स्प्राउट्स इन आवर होम टू मेक स्नैक्स। स्प्राउट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सीड्स एज फॉलोज। अब ये है कैसे बनाना है, यू कैन देखो यहाँ पे दो फोटोग्राफ्स है, देखो बिफोर स्प्राउट यू सी द मूंग दाल, और ये स्प्राउटेड हो गया मूंग दाल। दिस इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, वी गेट लॉट ऑफ विटामिन्स फ्रॉम दिस, ठीक है। अब फूड फ्रॉम एनिमल, अभी तक हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, फूड फ्रॉम प्लांट, यानी प्लांट से हमको कितने सारे चीज़ मिलते हैं, हमें सारे ने स्टडी किया, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, तो दीज ऑल थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट, ठीक है। अब एनिमल से क्या मिलता है, मिल्क, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट, इट कंटेन प्रोटीन एंड कैल्शियम विच आर गुड फॉर आवर हेल्थ। मेन मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल इन इंडिया आर काउज एंड बफेलोज, बट मिल्क ऑफ गॉट, सीप एंड कैमल इज ऑल्सो यूज इन सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री। देखो क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं मिल्क देते हैं, बट द मिल्क इज़ बीइंग यूज्ड फॉर डेली लाइफ इज़ काउ और बफेलो, और देश के कुछ हिस्सों में बकरे का भी दूध यूज़ किया जाता है, भेड़ का भी यूज़ किया जाता है और कैमल का भी किया जाता है, ठीक है। बट वी हैव टू सी दैट जनरली द मिल्क इज़ बीइंग यूज्ड इन आवर हाउस और इन प्लेस काउ एंड बफेलो। तो मैनी प्रोडक्ट आर ऑप्टेंड फ्रॉम मिल्क। अब मिल्क से क्या क्या चीज़ बनता है, चीज़, बटर, घी, कर्ड, ठीक है, आप बना सकते हो घर में कर्ड, चीज़ एंड कर्ड आर फाउंड बाय दैट एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर द प्रोसेस ऑफ पेस्चुराइजेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यू कैन गो हेड फॉर दिस, आपको डिफाइन करने में ये क्वेश्चन आ सकता है, पेस्चुराइजेशन,
तो हम प्रेशराइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लिखेंगे चीज एंड कर्ड आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रेशराइजेशन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जहाँ पे कि हम कोई भी चीज़ जो हम बनाते हैं यानी दही बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम प्रेशराइजेशन कहते हैं। तो मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो सबसे एनिमल इज़ यूजफुल फॉर अस बिकॉज हम लोग वहाँ से हमको मिल्क मिलता है। नाउ सेकेंड वन इज़ एग, दोज हु आर वेजिटेरियंस दिस इज़ नॉट फॉर देम, बट जो लोग नॉन वेज हैं तो दे यूज टू गो फॉर, ठीक है, दिस इज़ इन सिलेबस सो वी हैव टू स्टडी इट, वी डोंट हैव द चॉइस, वी हैव टू अंडरस्टैंड वॉट आर द थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम एनिमल। तो एग्स, ठीक है, मीट, हम ज़्यादा इसमें एलिबरेट नहीं करते हैं, बट वॉट एवर द थिंग्स लाइक B12, आपने सुना होगा कि B12 की कमी हो जाती है, तो हम सजेस्ट करते हैं उसको एग खाने के लिए और मीट खाने के लिए। या एक रोग होता है एनीमिया, जहाँ पे ब्लड की कमी हो जाती है, तो ब्लड की कमी होने से क्या होता है, वी सजेस्ट कि आप मीट खाओगे तो आपको ब्लड इम्प्रूव होगा बॉडी के अंदर, राइट। फिर एक बीमारी होती है बेरी बेरी की बीमारी होती है, ठीक है, तो ये सब बीमारियों में विटामिन B12 की कमी होती है, पर B12 कैन बी कंपनसेट बाय ड्रिंकिंग मिल्क आल्सो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दोज हु आर वेजिटेरियन अगर वो खाएंगे ये नहीं खाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप दूध पी सकते हो, तो विल गेट लॉट ऑफ प्रोटीन्स एंड कैल्शियम फ्रॉम मिल्क, कैरोट्स, रेडिश, वी आर हैविंग सो मैनी थिंग्स टू ईट। अब हनी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। लाइक हनी इज़ ए फूड मटेरियल विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई इंसेक्ट्स कॉल्ड बीज, हनी बीज बोलते हैं उसको, जहाँ से कि मध हमको मिलता है, ठीक है। तो वी कैन गेट मद, रेडीमेड मद फ्रॉम मार्केट, और जनरली जो हनी है दिस इज़ वेरी गुड फॉर अस, ये नेक्चर से मिलता है, और प्योर हनी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट, बट इफ़ यू गेट इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। वी कैन यूज़ हनी इन द मॉर्निंग इन वार्म वाटर, विथ वार्म वाटर, और वी कैन यूज़ हनी वेन वी आर गेटिंग डिहाइड्रेशन, तो ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन वेन वी आर प्रिपेरिंग ORH सॉल्यूशन, दैट टाइम वेन वी आर यूजिंग 7 स्पून ऑफ शुगर एंड 1 स्पून ऑफ सॉल्ट विथ 1 लीटर वाटर, यू कैन पोर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी विच गिव्स अस एनर्जी इन आवर बॉडी ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। डिफरेंट फूड फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, सी देर इज ए चार्ट, वी कैन प्रिपेयर इट और यू कैन हैव ए प्रैक्टिस ऑन दिस। नेम ऑफ द एनिमल, बफेलो, बफेलो खाना क्या खाता है, ग्रास, ऑयल केक, ठीक है, हे ग्रेन्स। और नेम ऑफ द एनिमल्स, कैट। तो अभी हम ये एक चार्ट तैयार कर सकते हैं कि रैट क्या खाता है, लैन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है, स्पाइडर क्या खाता है, एंड हाउस लिजार्ड क्या खाता है, ठीक है। उसी तरीके से आप प्याज तैयार कर सकते हैं, कैट, काउ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो एंड अदर्स, ठीक है। तो अभी हम आप लोगों को विल गिव यू द सम काइंड ऑफ असाइनमेंट्स और यू विल गेट अनदर वीडियोस इन नेक्स्ट, ओके, चलो बाय।